ओ माय गॉड भाई इतना रश, बम बम बोले, जय जय बोले, हरन बोले। पीछे वाले रास्ते से ट्राई करते हैं, अंदर जा पाएगी कि नहीं। क्या जी मैडम, किस बात के लिए गुस्सा हुआ आप? कितनों की लव स्टोरी यहां, केसरिया तेरा। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू टेकी डिजी व्लॉग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। सबसे पहले तो सबके लिए हैप्पी शिवरात्रि। तो हमारा व्लॉग शिवरात्रि से लेट आ रहा है, बट हैप्पी शिवरात्रि। तो गाइस, आज आप सोच रहे होंगे कि आज मैं ये ट्रेडिशनल सूट पहन के कहाँ जा रही हूँ। तो आज मैं ध्रुव जा रहे हैं मंदिर, जो ध्रुव के इधर इष्ट देवता है। हम शादी के बाद भी नहीं गए हैं, तो आज सोचा कि शिवरात्रि है, मंदिर भी हो जाएगा और हम शादी के बाद पहली बार मंदिर जाना भी हो जाएगा। अब मैं आपसे मिलाती हूँ ध्रुव को। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक। पहले तो भाई हैप्पी शिवरात्रि टू एवरीवन। तो गाइस, हम बिल्कुल तैयार है और अब निकल रहे हैं मंदिर के लिए। तो शुरुआत हम अपना दिन की मंदिर से कर रहे हैं। अभी तक घर पे बहुत सारे काम थे, वो निपटाए, अब निकल रहे हैं हम मंदिर। तो करते हैं व्लॉग की शुरुआत। तो व्लॉग के अंत तक बने रहे और हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। सो लेट्स स्टार्ट द व्लॉग। तो गाइस, कल ही हम अपना न्यू लुक चेंज करके आए थे और आज हमारा न्यू लुक वो न्यू लुक नहीं रहा है, क्योंकि आज चेंज हो चुका है। मैंने बोला था ना, जब भी आप हेयर वॉश, आफ्टर हेयर वॉश तो चेंज हो जाता है, सब कुछ हो जाता है। तो वो कुछ दिन की, कुछ बोलते ना, कुछ पलों के लिए, कल पलों की खुशी होती है। तो गाइस, कमेंट सेक्शन में जरूर बताए कि हम लोग कैसे लग रहे हैं। अब जहाँ हम जा रहे हैं वो बहुत प्रसिद्ध मंदिर है शिव जी का, और वहाँ पे बहुत रश होता है। अब आशा करते हैं कि इस टाइम पे थोड़ा कम हो गया हो रश। हाँ जी, तभी हम थोड़ा लेट जा रहे हैं। तो गाइज, ये देखो, यहाँ से ना भांग के पकौड़े, लस्सी लुस्सी मिलना शुरू हो गया है, और यहाँ से हम ना बस मंदिर पहुँचने वाले। और लोग देखो यार, मंदिर पहुँचने नहीं वाले, मंदिर पहुँचने की स्टार्टिंग पे है अभी। अभी मंदिर अंदर जाके, और देखो पता है ना, शिवरात्रि के टाइम यहाँ पे लोग हरिद्वार से गंगा जल लेके आते है और शिव जी को यहाँ चढ़ाते। रात के 12 बजे ही खोल देते हैं ये ना वो मंदिर का गेट है ना। मंदिर ना मनसा देवी मंदिर तो आई है हमारे साथ, केतड़ी मंदिर नहीं आई है। ये शिव जी का प्रसिद्ध मंदिर है, ये हमारा ना इष्ट भी बोल सकती है तू। इतनी मतलब हम लकी है, शिवरात्रि के दिन आ रहे हैं। आज ही आना था, लेकिन शादी के बाद हमें बोलना था कि इस मंदिर जाना है, पापा ने बोला था। हाँ। पर हमारा प्लान ही नहीं बन रहा था। बोलते ना, मंदिर को जाना आपका तभी लिखा होता है जब भगवान का बुलावा आता है। सही बात है। ओ माय गॉड भाई इतना रश, ध्रुव सुबह पता नहीं कितना ही रश होगा गाइस। रात के 12 बजे से शुरू हो जाता है रश तो यार। और मैं मतलब देख रही तो कितने दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ पे। यहाँ पे देखो, शरबत शुरबत जो मिलते है, सब कुछ मिल रहा है। ये मतलब ना ऐसा माहौल होता है इस टाइम शिवरात्रि का कि पूछो मत, बहुत मतलब यार कहते को बताए। वैसे भी शिवजी भगवान को तो हर एक बंदा मानता है, और शिवजी भगवान सबसे बड़ी सुपर नेचुरल पावर, सबसे बड़ी शक्ति है यार। हम लकी है अंजना कि हम ना शिवरात्रि के टाइम केतड़ी मंदिर जा रहे हैं, और रश भाई सीरियसली देख, भंडारा लगा हुआ है। भंडारा तो है, भंडारा तो ठीक है ना। हाँ, बट रश देख यार, और गाड़ी का। और अंजना देखो पता है, अभी यहाँ से 5 किलोमीटर और बचा है मंदिर, और 5 किलोमीटर पहले से ही इतना रश। वही, 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 वही। तो लोग बहुत दूर दूर से आते हैं यहाँ से गाइस। सीरियसली मैंने आज तो ना, और गाइस मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको कभी भी टाइम मिले चंडीगढ़ में, तो आप MDC के पास ही ये मंदिर है, तो शिवजी भगवान का मंदिर है, तो जरूर विजिट करे। और यहाँ पे नाग पंचमी के दिन नाग आते हैं दूध पीने। हाँ, दिखाऊंगा देखो मैं वो जगह भी। तो मैं तो खुद भी बहुत टाइम बाद आ रहा हूँ, और लास्ट टाइम मैं मम्मी के साथ, मम्मी पापा और मैं ही आए थे यहाँ पे, और हमें शादी के बाद ना यहाँ आना था गाइस, पर वही ना बुलावा। तो गाइस मैं ना पहली बार इतने ज्यादा मतलब रश में गाड़ी चला रहा हूँ, इतने सारे लोग और मेरी गाड़ी चल रही है, तो मतलब भाई डर तो लग ही रहेगी, ऐसे ना किसी को लग जाए, कुछ हो जाए, बेचारे छोटे छोटे बच्चे हैं। देखो गाइस, देख सकते हो आप कितना क्राउड है यहाँ पे भाई, है ना, बहुत ज्यादा। इतनी उम्मीद भी थी मेरे को, मुझे लगा था इस टाइम तक तो कम हो जाएगा। नहीं, पापा बोल रहे थे मुझे तो थी इतनी उम्मीद, क्योंकि आज शिवरात्रि है यार। और अरे जिस रास्ते से हम आए ना, जो वहाँ से इस टाइम तक हम 2-3 बार पहुँच जाते। और मतलब सबसे बड़ी बात की पापा बोल रहे थे 10-15 मिनट का रास्ता है, पर इतना क्राउड है यार, है ना। और ऊपर से पता गर्मी इतनी हो गई है ना चंडीगढ़ में। सही, विंटर्स गया, समर हैज बीन स्टार्टेड, लोग डर भी नहीं रहे भाई। कुछ लोग तो ना से बुरे मदहोश हो रखे हैं, बिल्कुल बम बम बोले, जय जय बोले, हरन बोले, अरे
महादेव हर हर शंभू। क्या बोल रहा है? पता नहीं, कई सवालों को सुनाई नहीं दिया। मैं देख आ रही हूँ लड़की, वाह अपनी गाड़ी 1-2 किलोमीटर पहले ही पार्क करनी पड़ी। अब इसके बाद हम यहाँ से आगे जाएंगे। तो गाड़ी पार्किंग मिल गई है और मैं और अंजना हम निकलते है। संजू रेडी है पैदल चलने के लिए? या बिल्कुल, क्योंकि मंदिर तो पैदल ही जाना चाहिए। तो चलते है फिर, मंदिर आए तो पैदल चल के थोड़ा अपना दर्शन करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो लेट्स गो बाय वॉकिंग। गाइज ये देख के लग रहा है बहुत अच्छा डिसीजन लिया है। आवाज अगर थोड़ी अच्छे से नहीं आ रही होगी तो माफी चाहेंगे। ये देखिए वाह, आगे देवन जो कितना रश है भाई। हम अपने जूते ना रखेंगे, मैं तो ये सोच रहा हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोग ना नंगे पैर आ रहे हैं। गाइज हमें भी नंगे पैर आना चाहिए था, हमारे जूते भी गए और हमें भी नंगे पैर ना आना पड़े। बहुत रश है गाइज, पर धीरे धीरे चल रहे हैं हम भगवान का नाम लेते हुए। जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ, मम भोले, मम भोले, मम भोले, हर हर भोले। लोग हमें देख रहे अरे परे से, बट हम बिना परवाह करे ब्लॉगिंग करेंगे और आपको भी दर्शन करवाएंगे शिवरात्रि के टाइम पे। तो गेट पे तो हम पहुंच गए, बस यहाँ से थोड़ा सा आगे और है। तो गाइस आपने अभी देखा होगा फ्रंट में जब हम वहाँ से क्रॉस हुए तो वहाँ पे कितना ज़्यादा रश था, बहुत ही लंबी लाइन लगी है। तो उस करके अब हमने सोचा कि पीछे वाले रास्ते से ट्राई करते हैं, अंदर जा पाएगी कि नहीं। पर हमारी कोशिश तो ये रहेगी कि हम दर्शन कर पाए। चलो देखते हैं वो पीछे से मिलता है कि नहीं। लंबी लाइन थी ना वो नौरात्रि बाजार की लाइन, तो हमने सोचा कि पीछे से ट्राई करते हैं। बिल्कुल, हाँ मतलब हम स्पेशली ज़रूर आएंगे अगर नहीं हो पाए, बट कोशिश पूरी यही है। होप फॉर द बेस्ट, फिंगर क्रॉस। फाइनली गाइज एंट्री मिल गई है। वहाँ पे ना पुलिस का नाका था तो अंकल जी बोलते कि चल जाओ यहाँ से, क्योंकि दर्शन करना बहुत डिफिकल्ट है आज के टाइम पे। बट उनको लगा कि भाई बंदे बहुत थक हार के आए हैं। अंजना कैसे रहे दर्शन? बहुत अच्छा, इतनी भीड़ में हमें दर्शन करने को मिला है ना यार, मतलब विश्वास नहीं हो रहा। गाइस अब नेक्स्ट टास्क ये है हमारा कि हम ना कैश नहीं लाए, हम तो गाड़ी में ही रह गया पर्स। और यहाँ पे इतनी सारी चीजें है खरीदने के लिए और यहाँ पे पेटीएम गूगल पे कुछ भी नहीं है। अब लेट्स सी अगर कुछ जुगाड़ कर पाते हम लोग की नहीं, अगर होता है तो ठीक है वरना ऐसी देखने चल जाएगी चीजें और क्या। देखो गाइस यहाँ पे ना अलाउड नहीं है, बड़ी मुश्किल से गाड़ी अंदर जा रही है, HP की गाड़ी अंदर जा रही है। वाओ गाइस यहाँ से लाइन शुरू हो रही है, अरे पूरा आगे तक जा रही है। फाइनली गाइस गाड़ी में पहुंच गए विद जूस एंड थोड़ा सा कैश। फाइनली गाइस कैश नहीं था हमारे पास ना, रास्ते में पूछते आ रहे थे भाई कैश दे दो कैश दे दो। जो कैश दे रहे थे हमें वहां पे नेट नहीं चल रहा था, पता नहीं क्या चक्कर था। बट यहाँ आके एक आंटी ने हमारी हेल्प करी यार, थैंक यू सो मच। अंजना को तो इतनी प्यास लग रही थी कि एक अंकल बोलते ऐसी ले लो बेटा पानी, कोई बात नहीं। कैसा लगा अंजना तेरे को यहाँ आके? यहाँ आके बहुत अच्छा लगा, बट मैं ये बोलूंगी हमेशा अपने पास कैश कैरी रखो। डिजिटल जमाना है बट फिर भी गूगल पे के सहारे नहीं चलता, नेट की प्रॉब्लम हो सकती है। और इससे भी ज्यादा आज मतलब लोगों में ह्यूमैनिटी है। मुझे इतनी प्यास लग रही थी, अंकल मुझे पूरी वो 35 वाली बड़ी बॉटल दे रहे थे ठंडे पानी की, बेटा ले जाओ कोई बात नहीं। बट हमने नहीं ली क्योंकि गाड़ी थोड़ी थी दूर थी, किसी का घाटा क्यों करना, वो भी कमा ही रहे हैं। आपको गिफ्ट
हेल्प कर रहे हैं, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा। बाकी दर्शन गाइस इतने अच्छे से हो गए, इतना रश था, भले बहुत दूर चलना पड़ा पर जो वहाँ तसल्ली हुई है दर्शन करके। और शिवरात्रि के दिन शिव जी के दर्शन हुए, मतलब बहुत अच्छा लगा और बहुत क्राउड था, बहुत ज्यादा। पर एनीवे गाइस हम बहुत श्रद्धा से आए थे, तो मतलब ये होता है अगर आप कोई भी काम पॉजिटिविटी से करो तो आपका काम हो जाता है, तो इससे हमें ये सीखने को मिलता है। तो गाइस अब निकल रहे घर की तरफ, लेट्स सी अब कैसा रहता है, भाई थक काफी गए हैं, हम पैदल बहुत चल के गए। गाइस देख रहे हो कितना ब्यूटीफुल सनसेट हो रहा है, तो मैंने सोचा आप लोगों के लिए ये रिकॉर्ड किया जाए। और मेरी मैडम बहुत गुस्सा है, पता नहीं किस बात को लेके, आई डोंट नो, पूछ ही लेते हैं आपसे। हाँ जी मैडम, किस बात के लिए गुस्सा हुआ आप? किसी भी बात के लिए नहीं, कुछ तो नाराजगी लग रही है यार। ओहो, पर आप बहुत ब्यूटीफुल लग रहे हो आज। थैंक यू सो मच, तारीफ कर रही हूँ बेबी। देखो जितना बीवी को खुश रखोगे उतनी आपकी जिंदगी बहुत सुखी रहेगी, ये मैंने सीखा है अपने बड़े बुजुर्गों से। सही बोला मैंने, बीवी खुश है? हाँ, मैं मेरी तारीफ करूँ जाना अगर, मैं खुशी रहती हूँ। ओहो, इस लाइनों ने मेरे को मार डाला गाइस, सीरियसली मेरी तारीफ करो या ना करो मैं खुश ही रहती हूँ। तो गाइस खुश रहना चाहिए, दैट्स अंजना वांट्स टू टेल। यहाँ गए थे हम कल, पिछले कल ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट, तो देख लो फ्लाईओवर से पूरा दिखता है बहुत अच्छे से। कैसा लगा जाके वैसे अंजना? बहुत बहुत ज्यादा अच्छा। तो अगर आपने हमारा प्रीवियस ब्लॉग नहीं देखा है तो जाके प्लीज देख लीजिए, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए गाइस, अब तो कर लीजिए प्लीज। शिवरात्रि भी आ गई, देखो होली आने वाली है, नेक्स्ट इवेंट। तो शिवरात्रि में आपका आशीर्वाद चाहिए कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए गाइस, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा नहीं है, बस हमें एक ब्लेसिंग मिल जाएगी एज अ सब्सक्राइबर आपकी। आपकी मतलब हमें बहुत सारी फैमिली चाहिए, तो आप प्लीज हमारे साथ जुड़ते रहिए क्योंकि आप लोग भी हमारी फैमिली हो। और हमारे साथ 1,00,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करने में हमारी मदद कीजिए। तो गाइज अब जा रहे हैं थोड़ी ग्रोसरी शॉपिंग करने, चलते अंदर कुछ सामान वगैरह खरीदते हैं। देखो भाई कुछ सामान ये तुम चाहिए तेरे को, मैमी पोको पेंट फ्यूचर के लिए, देख ले बीबी क्रीम तेरी मिल जाएगी गलती से, भाई मिल नहीं रही गाइस इतने दिनों से ढूंढ रहे हैं बीबी क्रीम, हमें ये पसंद आ गया भाई। एक हमारा ये मॉप खराब हो गया था तो अंजना ने बोला कि एक ले लेते हैं। ये वाली दाल है, मसूर दाल तो है, ये मसूर, ये है, ये वाली नहीं है, ये खाते नहीं, चने चने पड़े, ये भी पड़े। मेरे को थोड़ा कम आइडिया है ना, इसको ज्यादा आइडिया क्या पड़ा क्या नहीं पड़ा। यार मैंने बोले क्या बोल रहा था, सेमियां ले ले गए। दलिया तो सेमिया भी यहीं कहीं होगी, सेमिया सेमिया देखो गाइस अगर आपको मिलता है पहले। अंजो यहीं कहीं होगा, यहाँ पे दलिया तो दिख गया मेरे को, मिल गई। वाओ अंजना ने ढूंढ ली फाइनली, अब अच्छी सी बनाई हो, ठीक है ठीक है। गाइस फुल भर गई है अब ट्रॉली, अब इससे ज्यादा जगह ही नहीं है। अब नहीं मैंने कहा एक बारी ले लो, ये चार भी ले लेगा, चार चाहिए। भाई आगे कैसी रही अंजना आज की ग्रोसरी शॉपिंग और शिव दर्शन? हाँ, शिव दर्शन बहुत अच्छे थे, ग्रोसरी शॉपिंग में ना पूरा 55 सामान लिया। और हम गए थे कि हम जस्ट थोड़ा खाने पीने का ले लेते, हुआ ऐसा का इसकी, मैंने कहा यार एक ही बारी ना सामान सारा ले, और फिर ज्यादा कॉस्टली पड़ता है। और रिलायंस में जाके ना मैं ये भी है, ये भी एबीसी भी ने खा लिया, हमारा पोचा टूट गया था गाइस, तो मतलब ना सारे सामान लेके आ गए। और अब हमने पूजा की तैयारी करनी है, थोड़ी बहुत शिवरात्रि की तैयारी करनी है, और थक हार इतना ज्यादा गया है कि गाइस अब ब्लॉग आगे कंटिन्यू नहीं हो सकता। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, नेक्स्ट ब्लॉग भी बहुत एक्साइटिंग होने वाला है गाइस, मतलब गाइस वो चीज ना अंजना ने शायद ही देखी होगी, मैंने तो देखी हुई है पहले बट मैंने बचपन में देखी है, तो प्लान आपको हिंट दे दिया है, आप आइडियाज लगाते रहे और नेक्स्ट ब्लॉग के लिए स्टे ट्यून रहे। तो करते हैं ब्लॉग को एंड। तो अगर आप इस ब्लॉग पे इस चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और देखते रहे टेक इट इजी ब्लॉग, स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट ब्लॉग, बाय बाय।